दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दो दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहे। यहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा, बीते 20 सालों में उत्तराखंड की शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया। उन्होंने प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में करीब 200 प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संवाद किया। सिसोदिया ने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, इन प्रमुख मुद्दों पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। वहीं सिसोदिया ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकार को चैलेंज करते हैं कि सरकार अपने 5 बड़े काम बताए। घर में विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकारों ने, वहां की सरकारों ने फिर उस पर काम किया है, उन विषम परिस्थितियों को सम बनाया है, बल्कि डेस्टिनेशन बना दिया है। आज ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई हैं वो। आज दुनिया भर में जो टफ एरियाज हैं वहां पे वहां की सरकारों ने काम करके बनाया है, लेकिन यहां 20 साल में सरकारों ने काम नहीं किया उस पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।